हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो ऑन एफकैट मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी। दोस्तों, मेरा नाम हर्षवीर मंड है एंड मैं यूपीएससी एनडी ऑल इंडिया रैंक 57 हूं 2017 के अंदर। अपॉन दैट आई एम अ मैथ्स मेंटोर एट द डिफेंस एस्पिरेंट एकेडमी। आज हम बात करेंगे एफकैट का पैटर्न क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एफकैट, हाउ मच मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू इन एफकैट, एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट the mathematics strategy, that is the punch shield principle, which will be a 5-point strategy that I will be telling you. So let us start with the pattern of FCAT examination. Friends, let's understand ki FCAT exam ka structure kaisa hota hai. You all know ki FCAT exam ke andar hamare paas 100 questions hote hain. It's an online exam where you people are given 2 hours plus 3 or minus 1 ke hisab se marking hoti hai aur 300 marks ka ye paper hota hai. और मैथमेटिक्स के इसके अंदर बात करें तो लगभग कोई 18 से 20 क्वेश्चंस जो हैं वो आप सबको पूछे जाते हैं। सो जहां तक हम बात करते हैं सिलेबस की, तो फ्रेंड्स, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, मिलिट्री एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये सारी चीजें आती हैं आपके एफकैट के अंदर। और अगर आप घबरा रहे हो कि एफकैट का मैथमेटिक्स जो है वो कोई बहुत ही खतरनाक होने वाला है एंड यू आर वीक इन मैथमेटिक्स, देन सॉरी माय फ्रेंड्स, देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। परहैप्स एफकैट के अंदर जो मैथ्स पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स लाइक CDS और NDA और SBIPO इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, राइट? क्योंकि आधा दर्जन तो चैप्टर्स आते हैं आपको। तो स्टार्ट करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। वेरी सिंपल, वेयर यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर्स, राइट? सो व्हाट इज द मैथमेटिक्स स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो इन द कमिंग डेज। तो ये पंच शील प्रिंसिपल होगा, 5 पॉइंट्स दैट यू मस्ट रिमेंबर। फर्स्ट इज नो योर सिलेबस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितनी फनी बात है दैट आई एम आस्किंग यू टू नो योर सिलेबस। यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी व्हाट टू स्टडी, बट द पॉइंट इज व्हाट नॉट टू स्टडी। आई हैव सीन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड आउट ऑफ दैट आई हैव एक्चुअली ऑब्जर्व्ड फ्यू स्टूडेंट्स डूइंग चैप्टर्स सच एज वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, जिनका एफकैट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो प्लीज नो योर सिलेबस। जस्ट बिकॉज आपने पढ़ लिया कि इस किताब से मुझे एफकैट की तैयारी करनी है, डज नॉट मीन कि आप वो पूरी किताब पढ़ना शुरू कर दो। जस्ट फोकस ऑन द सिलेक्टेड चैप्टर्स जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सिलेबस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस आता है, डिस्काउंट आ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है जिसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, फिर उसके साथ साथ आपको टाइम एंड वर्क आ सकता है, परसेंटेज आ सकता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आ सकता है, राइट? एवरेज कैन बी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यही सारे चैप्टर्स है जिनमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको कोई भी किताब पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड, नो योर सोर्सेस। अगर तो आप TDA स्टूडेंट है तो आपके लिए मोर देन इनफ है TDA के असाइनमेंट्स, बट अदरवाइज यू कैन ऑप्ट फॉर बुक्स सच एज एस चंद की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आती है, ये सारी बुक्स पढ़ सकते हो। बट रिमेंबर, डोंट गो फॉर बुक्स लाइक Pathfinder CDS। Pathfinder CDS हैज अ वेरी हायर लेवल एंड अ डिफरेंट लेवल ऑफ क्वेश्चन ऑल टुगेदर। सो इफ यू हैव Pathfinder CDS एंड यू थिंक मैं यही एफकैट के लिए चला देता हूं, देन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। नाउ वंस यू आर क्लियर विद द सिलेबस, वंस यू आर क्लियर विद द सोर्सेज, द थर्ड थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेक अ रोड मैप, वेयर यू आर, where you want to be, how much chapters are left, how many days are left, what could be the potential hurdles in the journey, make a roadmap, kitne din aap kaun se chapter ko lagaoge, you should make a strategy. Friends, there are two approaches of studying various subjects. One is you juggle in every day, koi aadmi 1 ghanta ek subject padhta hai, 2 ghanta dusra subject padhta hai, 3 ghanta teesra subject padhta hai, you juggle, you switch from one subject to the other. But then there are other people who cannot juggle, they want to focus, to wo ek subject ek din padhenge ya ek subject ko ek hafta laga ke khatam karenge, then you will move to the second subject. But the second approach is not right for mathematics. Aaj ek hafta maths ko lagaoge, agar aapne ek hafta maths ko nahi lagaya to aapka maths jo hai वो आप भूलना शुरू हो जाओगे। यू विल नॉट बी इन टच विद मैथमेटिक्स। सो यू हैव टू जगल, यू हैव टू बैलेंस मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। तो मुझे चाहे एक हफ्ता इंग्लिश पढ़नी है, बट मैं उसके साथ रोज चाहे आधा घंटा, चाहे एक घंटा, चाहे 25 मिनट, चाहे 2 घंटे, मैथ्स मुझे रोज करना है। जब तक पेपर नहीं हो जाता, मैथ्स मुझे रोज थोड़ा थोड़ा करना है, बिकॉज इट इज बेसिकली शार्पनिंग द न्यूरॉन्स ऑफ योर माइंड। यू कैन नॉट से मैं एक हफ्ता मैथ्स करूंगा फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चला जाऊंगा। एंड द फोर्थ स्ट्रैटेजी इज, द फोर्थ पॉइंट इन द स्ट्रैटेजी इज कि अभी आपको आगे करना क्या है। अगर आप बहुत अच्छे छात्र नहीं है गणित के अंदर, इफ यू आर नॉट सो गुड इन मैथमेटिक्स, तो आप बेसिक एनसीईआरटी को कवर कीजिए,
किसी क्रैश कोर्स में जा सकते हैं, जैसे कि टीडीए के क्रैश कोर्स को एनरोल करिए। जब आपने बेसिक एनसीईआरटी समझ ली, फिर आप आरएस अग्रवाल या एस चंद या कोई भी ऐसी किताब पकड़िए क्वांट्स के ऊपर, और उसकी थ्योरी को तब तक समझिए जब तक आपको अच्छी तरह से समझ ना आ जाए, और फिर क्वेश्चंस की ओर बढ़िए। और क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो डोंट रिलाई ऑन सॉल्यूशंस, फाइंड योर ओन वेज। माना आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करते करते एक घंटा लग गया, डू नॉट क्लॉक योर टाइम। अगर एक घंटा लग रहा है तो एक घंटा योर स्ट्रगल इज एक्चुअली गोइंग टू मेक योर माइंड शार्पर। एंड अगर आपको लगता है कि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप ही के लिए एग्जाम बना है, राइट? सो आप डायरेक्टली थ्योरी पढ़िए, थ्योरी को समझ के आप क्वेश्चंस कीजिए, एंड आप एक डेढ़ घंटा रोज का दीजिए, दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू, राइट? और अगर आपको लगता है यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, देन आप एक क्विक रिविजन कीजिए। बिकॉज इफ यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, सी किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लाइक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रेन्स, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस, सी द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, एंड उस तरह के क्वेश्चन कोई भी किताब उठाइए और पकड़ के प्रैक्टिस कर लीजिए इफ यू आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इंस्टेड गिव द सेम टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स लाइक जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, राइट? एंड फिफ्थ इज बैलेंस, डू नॉट ओवर डू थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप घंटों मैथ्स कर रहे हो और आप जनरल अवेयरनेस को कोई टाइम नहीं दे रहे। यू शुड गिव फिलर्स इन बिटवीन, और वो फिलर्स में यू कैन गो फॉर अ जॉग, यू कैन गो फॉर रनिंग, यू कैन परस्यू अ हॉबी, बिकॉज इन द फोर्सेस दे आर अल्टीमेटली लुकिंग फॉर पीपल हु इफ सिट इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कैन क्रैक जोक्स, हु इफ सिट इन अ ग्रुप ऑफ लेडीज कैन बी द मोस्ट कर्टियस, हु इफ गो टू अ बास्केटबॉल कोर्ट कैन सरप्राइज द ऑडियंस विद देयर स्किल्स, हु इफ गिवन अ माइक एक्सीडेंटली कैन ऑल्सो सिंग अ सॉन्ग फॉर द ऑडियंस। सो वी वॉन्ट पीपल हु आर मल्टी टैलेंटेड, सो जस्ट डोंट बी स्टूडियस एंड नर्ड ऑल द टाइम, गिव योर टाइम टू अदर एक्टिविटीज एंड बैलेंस बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट अप्रोच रिक्वायर्ड फॉर द फोर्सेज। ऐसे और एफकैट अपडेट्स को पाने के लिए प्लीज स्टे अपडेटेड एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड जय हिंद।